Yes, class. Now we will proceed with the next topic of the chapter, that is India's occupational structure on the eve of independence. That means अब हम study करेंगे कि India के occupational structure की क्या condition थी, क्या state था at the time of independence. तो class, before proceeding with the topic, let's first understand the term occupational structure. Occupational structure का क्या meaning होता है class? कि आपकी country की workforce, यानी जो working people है, कितने वर्किंग पीपल किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, यानी वर्किंग पीपल की बात हो रही है, सिर्फ वर्कफोर्स जो एम्प्लॉयड है, कितने वर्किंग पीपल किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, यानी कि इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. यानी आपकी वर्कफोर्स कितनी किस सेक्टर में, कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व है एंड कितने लोग टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व है. डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी तो आपने पढ़ा है ना क्लास टेंथ में भी. तो कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, कितने सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, कितने टर्शरी सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं. एक बार फिर से रीड कर लेते हैं. इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. कितने वर्किंग पीपल, कितनी वर्कफोर्स किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है. अब क्लास, जब आप इस टॉपिक के हम बात करें तो एक शॉर्ट टॉपिक है, यानी अगर एग्जाम में आएगा भी तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आएगा, कि 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये आ ही नहीं सकता, क्योंकि टॉपिक की जो डिटेल है, जो कंटेंट है, वो बहुत कम है. अब क्लास, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करेंगे तो बेसिकली हमें दो ही पॉइंट स्टडी करने हैं. एक तो प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन एंड रीजनल वेरिएशन, दो ही टॉपिक्स हैं. तो हम फर्स्ट पॉइंट पहले डिस्कस करते हैं क्लास, प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन. प्राइमरी ऑक्यूपेशन मींस प्राइमरी सेक्टर. आपको अच्छे से पता है व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर. बेसिकली मैं बताना चाहती हूँ क्लास, अप्रोक्सीमेट 75% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. यानी हमारी एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी, मतलब अप्रोक्स आप खुद देखो, 3/4 ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, 75% ऑफ द वर्क फोर्स इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, और जो बाकी अप्रोक्सीमेटली 25% बचती है, दैट वॉज एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. वो थे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में. मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन किस सेक्टर में थी, हमारी एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में थी. तो फर्स्ट पॉइंट में ज्यादा कुछ कंटेंट नहीं, आपको सिर्फ ये बताने कि हाँ भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो डोमिनेट करता था, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थी. अब हम बात करते हैं क्लास रीजनल वेरिएशन की. इसका मतलब है वर्कफोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट थी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगा. जैसे क्लास, अगर मैं इन स्टेट्स की बात करूं, ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, तो यहाँ की जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी वो किस सेक्टर में थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में. आपको इन स्टेट्स के नेम को लर्न करना है एंड देन यू हैव टू मेंशन इन योर एग्जाम कि ओडिशा, राजस्थान, पंजाब जैसे जो स्टेट्स थे, इनकी जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थी. एंड अगर हम बात करें तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तो ये वो स्टेट्स थे क्लास जिनके अंदर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में चेंज आ गया था. चेंज कैसे, इनकी जो मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स थी उसका एग्रीकल्चर सेक्टर में तो डिक्लाइन हो रहा था इंटरेस्ट, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग खुद को निकाल के कहां शिफ्ट कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर. तो आप देख सकते हो एक ही कंट्री के अंदर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का डिफरेंस था अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्टेट्स कि इन ये वो स्टेट्स है तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल. लर्न ऑल दी नेम्स, यू हैव टू राइट देम इन योर आंसर शीट. ये वो स्टेट्स थे जहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर में से लोग कम हो रहे थे एंड दे वर शिफ्टिंग टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. तो सिर्फ ये दो पॉइंट्स है क्लास ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के, छोटा सा पॉइंट है बस. एग्जाम में जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, चाहे पूछा हो या ना पूछा हो, एज एन इंट्रोडक्शन, एज टू क्रिएट अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द टीचर, आपको ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन जरूर देंगे एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस सिंपल टू पॉइंट्स. इज दैट क्लियर क्लास?